ये है सामने हाथी का गोबर इधर पड़ा हुआ, तो और देख के तो बिल्कुल लग रहा है भैया ये बहुत ही फ्रेश है। और अगर फ्रेश है तो उसका मतलब आप समझ जाओ यार कि हाथी यहाँ आसपास चल रहे होंगे, रोड पे ही कहाँ चल रहे होंगे पता नहीं। तो चलो निकलो भाई यहाँ से जल्दी से, थोड़ी सी घबराहट भी हो जाती है यार सही से बताऊँ मैं तो। यार ये ना बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो मतलब उतरने में भी यार डर लग रहा है मैं सही बोलूँ तो। अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है चारों तरफ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। हर महादेव, वेलकम बैक टू माय चैनल लकी ड्राइव। सो गाइस, आज का मेरा प्लान है, मैं जा रहा हूँ अपने घर से राजा जी नेशनल पार्क की तरफ। सोचा वहाँ पे जाया जाए और यू नो, थोड़ा सा कहीं पे कुछ एक अच्छा सा व्लॉग बनाया जाए, तो आज का प्लान मेरा वहीं जाने का है। देखते हैं रस्ते में क्या कुछ अच्छा मिलता है और कैसे रहता है, तो अभी थोड़ी देर में मिलता हूँ मैं आपसे। हर हर महादेव। तो अब बेसिकली मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और जा रहा हूँ कौन सी जगह, अपना वही जंगल वाला रास्ता है, तो जंगल वाला रास्ता जाया जाएगा और फिर उसके बाद वहाँ से आगे निकला जाएगा ऋषिकेश की तरफ। तो ये है सामने अपना जंगल वाला रास्ता। ये रास्ता तो यार बहुत ही अमेजिंग लगता है, बट अभी थोड़ा सा आते हुए हम लेट हो गए हैं। प्लान तो यार मेरा था मैं सुबह 7 बजे निकल जाऊंगा, बट होता नहीं है प्लान के अकॉर्डिंग कई बार, क्योंकि आप यू नो, शिफ्ट करी थी, फिर शिफ्ट एंड करने के बाद मैंने कहा थोड़ा सो जाऊं और फिर मन नहीं करा यार जाने का, तो फिर ऐसे ही हो गया कि थोड़ा लेट हो गया। एंड ऑन टॉप ऑफ इट जाना तो वैसे हर्सिल था, पर हर्सिल नहीं गया मैं, अब हर्सिल जाएंगे किसी और टाइम। अभी के लिए बस ये जो सामने अपना जंगल का रास्ता है ये क्लियर करेंगे और आगे जाएंगे राजा जी नेशनल पार्क की तरफ। तो अब मैं पहुंच गया हूं बैराज, आगे जाके आएगा और फिर वहां से लेफ्ट लेके राजा जी नेशनल पार्क की तरफ बढ़ना है। ये जो जगह है इसे बोलते हैं बैराज। अब यहाँ पुल के नीचे से हरिद्वार गंगा जी का पानी जाते हुए जा रहा है हरिद्वार की तरफ, और साथ में यहाँ पर भी जो पानी है गंगा जी का स्टोर रहता है, और ये मेरे लेफ्ट में जो है ये कैनाल रोड ये चलती रहेगी साथ साथ। यहाँ से आगे एक अभी क्रॉस करना है हमें थोड़ा सा रिवर बेड, आई डोंट नो वहाँ पानी होगा या नहीं होगा, आई थिंक इस टाइम पे तो कम ही पानी होगा वहाँ पर, देखते हैं अब जाकर। अब बस यहाँ से अपना आगे आ जाएगा वो जो एरिया है जो मैं बता रहा था रिवर क्रॉसिंग। राइट लेफ्ट साइड में क्या चल रहा है मेरे मुझे समझ नहीं आ रही, क्लीन कर रहे हैं कैनाल को या क्या कर रहे हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। ये दोनों तरफ हो रहा है, इनफैक्ट इस साइड भी हो रहा था और उस साइड भी हो रहा था, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अब ये क्या हो रहा है यार समझ तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा मुझे, पर कुछ हो रहा है, कोई बात नहीं, हम अपना आगे की तरफ देखते हैं और आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं। वाओ, सामने हैं बहुत सारे मोर, नहीं है ये मोर नहीं आए, क्योंकि मोर तो अलग होते हैं, थोड़े मोर ज़्यादा बड़े होते हैं, उनके पंख जो हैं बड़े बड़े होते हैं। तो ये सामने में जिसकी बात कर रहा था वाटर क्रॉसिंग, अभी तो खैर कुछ वाटर क्रॉसिंग में कुछ जैसा खास दिख नहीं रहा, पानी बहुत हल्का फुल्का सही है। इनफैक्ट इन्होंने कुछ करा है जिससे कि जो वाटर क्रॉसिंग है वो पहले जगह जगह पानी होता था, अब जगह जगह ना होके सिर्फ यहीं पर रह गया, इन्होंने हल्के से नाली सी बना दी है और वो नाली से पानी सारा निकल रहा है। बस अब मैं यहीं से आगे जाऊंगा अपना। अब यहाँ से आगे बैराज की तरफ, मतलब बैराज में ही है हम बेसिकली, तो इसी कैनाल रोड पे चलते हुए और फिर हम आगे से जो है एंट्री ले लेंगे कहाँ के लिए, वो है अपना राजा जी नेशनल पार्क की ओर।
तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं मेन राजा जी नेशनल पार्क की तरफ लेफ्ट में, और आप देखोगे यहाँ पे सामने आपको जिप्सियाँ दिखेंगी ऑलरेडी। तो ये बेसिकली अंदर यहीं लेके जाती हैं राजा जी नेशनल फॉरेस्ट की तरफ, अपना यू नो छोटा मोटा टूर करा के लेके आती हैं। जिसके पास अपनी गाड़ी होता है वो खुद भी चले ही जाते हैं, तो जैसे मैं अपनी गाड़ी में हूँ तो मुझे जिप्सी की क्या ज़रूरत है, तो मैं इसलिए अपना खुद ही जा रहा हूँ। तो अब हम जंगल में काइंड ऑफ एंटर कर चुके हैं। अभी राइट साइड में थोड़े बहुत घर तो दिख रहे हैं मुझे, पर आई गेस 5-1 मिनट के बाद सारे घर अपने गायब हो जाएंगे और प्रॉपर जंगल स्टार्ट हो जाएगा। तो अब हम जंगल की तरफ ही जा रहे हैं। ये है यहाँ पर जो मेंशन कर रखा है कि आप राजा जी नेशनल पार्क में घुस रहे हैं, और यहाँ पर कुछ गाइडलाइंस हैं जो दे रखी हैं। तो अब मैं यहाँ से अपना आगे निकलते हुए और जाऊँगा पार्क की तरफ जो कि है सामने। अब आगे दो रास्ते हैं, तो पहले मैं राइट वाले में चले जाता हूँ, फिर बाद में आके हम लेफ्ट वाले में चले जाएंगे, देख लेंगे हमें जाना किधर है, क्योंकि हमें भी अब इसके बाद तो ज़्यादा कुछ पता नहीं है। तो अभी जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ ये प्रॉपर डेंस फॉरेस्ट है यार, दोनों तरफ मतलब काफ़ी घना जंगल है। तो अब ऑब्वियसली गाड़ी से तो अपने बस की नहीं यार उतरना, क्योंकि यहाँ तो ऐसी घनी झाड़ियाँ हैं दोनों तरफ कि अगर आप नीचे उतरो बाई चांस कुछ आ जाए आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहाँ से तो मैं नहीं उतरूँगा। ओ वाह, सामने आपको दिखा ये मोर इतना सुंदर सा, और ये जा रहा है जंगल की तरफ जा रहा है, कहाँ जाएगा पता नहीं, क्या उड़ जाएगा आपको दिख तो रहा ही होगा, इतना सुंदर सा मोर है यार ये, वाह। और ये अपना उड़ता हुआ निकल गया आगे और जाके बैठ गया वहाँ पर पेड़ के। चलते हैं आगे, देखते हैं आगे और कौन सी जगह है और इसके अलावा और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। पर गाड़ी से उतरना कितना सेफ है नहीं है ये मुझे नहीं समझ आ रहा, तो इसलिए मैं गाड़ी से नहीं उतरना चाहूँगा। थोड़ा खुला एरिया आएगा तो मैं उतर जाऊँगा, बट नॉट हियर। जाते हुए कि और ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट में मैं एंटर करता जा रहा हूँ, तो ये तो यार एक्साइटिंग है यार, मतलब मैं इस रास्ते पे पहली बार आ रहा हूँ, कोई मुझे क्लू भी नहीं है कि एक रास्ता कौन सा है। दूसरा रास्ता तो पता था वो हरिद्वार की तरफ जाता है, बट इस रास्ते के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता ये कहाँ जा रहा है। ये है सामने हाथी का गोबर इधर पड़ा हुआ, तो और देख के तो बिल्कुल लग रहा है भैया ये बहुत ही फ्रेश है, और अगर फ्रेश है तो उसका मतलब आप समझ जाओ यार कि हाथी यहाँ आसपास चल रहे होंगे, रोड पे ही कहाँ चल रहे होंगे पता नहीं। तो चलो निकलो भाई यहाँ से जल्दी से, थोड़ी सी घबराहट भी हो जाती है यार सही से बताऊँ मैं तो। जंगल तो प्रॉपर बहुत बढ़िया वाला है सारा का सारा, मतलब फीलिंग ही अलग है सही बताऊँ मैं। अब जा किस साइड रहे हैं तो पहाड़ों में थोड़ा सा मैं ऊपर की साइड आ गया हूँ काफ़ी, तो मुझे पता नहीं लग रहा अभी हम किस साइड जा रहे हैं, पर कहीं चल रहे हैं कहीं जा तो रहे हैं। यार ये ना बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट है, तो मतलब उतरने में भी यार डर लग रहा है मैं सही बोलूँ तो इसीलिए मैं ना यहाँ उतर भी नहीं रहा। अब मुझे लगता है मैं यहाँ से बस गाड़ी ना कहीं से यू टर्न लेके आगे निकल वापस आ जाऊँगा, क्योंकि तो मुझे आगे पता नहीं आगे रास्ता कौन सा और मैं कहाँ जा रहा हूँ मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं तो ऑब्वियसली आया बाहर इसीलिए था एक्सप्लोर करने, पर कब एक्सप्लोर यू नो डेंजरस सिचुएशन में बदल जाए तो वो भी नहीं पता होता, तो ये सोच के लग रहा है मैं वापस चले जाऊंगा आगे, क्योंकि ये जंगल ही जंगल चलता जा रहा है और पता भी नहीं यार जाना किधर है। रास्ता तो है ये बहुत डेंजरस मैं आपको सही बताऊं, तो मुझे ऑब्वियसली थोड़ा यू नो डर भी लग रहा है, आगे का पता भी नहीं है, अननोन टेरिटरी है, टोटली अननोन टेरिटरी है, कुछ नहीं पता आगे क्या है, और काफ़ी देर हो गई है चलते हुए तो थोड़ी घबराहट यार ज़्यादा हो रही है। गाड़ी तो नहीं फंसेगी ये तो एक अच्छी बात है, पर डर ज़रूर लग रहा है,
और लगता है अब आगे कहीं ना कहीं मैं ना आगे यू टर्न लेके वापस मुड़ूंगा, क्योंकि आगे कुछ नहीं पता यार मैं कहाँ जा रहा हूँ। और बिल्कुल घना जंगल है, कुछ नहीं दिख रहा, आप सामने देख सकते हो। तो आई थिंक इट इज़ राइट टाइम कि मैं वापस अब मोड़ लूँ गाड़ी और यू नो मोड़ के अपना वापस निकल लूँ दूसरी ओर। तो ये है यार सामने रास्ता, और मेरे को हो गया आधा घंटा ऑलमोस्ट चलते हुए ना, तो आधे घंटे से जो रास्ता है वो ऐसा ही है, प्रॉपर डेंस फॉरेस्ट है, कुछ नहीं दिख रहा यार, चारों तरफ घना जंगल, नीचे इधर क्या है भगवान जाने। और घबराहट ज़रूर हो जाती है ऐसी जगहों पे ना आते हुए, थोड़ी सी टेंशन हो जाती है कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना, तो ये चक्कर है। तो ये थोड़ा सा रिस्की सा सीन लगता है, थोड़ा समझ नहीं आता, मतलब डर तो लगता है यार। ये अपनी गाड़ी खड़ी है सामने, गाड़ी नहीं मैं इसे वैसे टैंक बुलाता हूँ, क्योंकि ये टैंक से कम नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी। टू बी ऑनेस्ट अगर मैं बात करूँ, चाहे आप फॉर्च्यूनर देख लो या फिर थार देख लो या कोई और देख लो, कोई गाड़ी नहीं होगी ऐसी जो इतनी बड़ी होगी। थोड़ा सा आगे चलता हूँ ऐसे पैदल, ज़्यादा नहीं जाऊँगा, घबराहट तो होती होती है यार चाहे कुछ भी बोलूँ मैं, तो ज़्यादा आगे तो मैं जाऊँगा नहीं। ये अपना सारा एरिया, यहीं से कहीं से ना मैं अब यार करता हूँ रिवर्स, यू टर्न लेता हूँ और यू टर्न लेके ना अपना निकलता हूँ बस आगे और घर की ओर, घर की ओर नहीं कहीं और जाऊँगा, बट यहाँ से तो निकले यार। तो ये रास्ता तो आपने देख लिया सारा जो मैं आपको दिखा रहा हूँ यार, बड़ा ही ज़बरदस्त है यार, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं थोड़ा टायर्ड फील कर रहा हूँ क्योंकि मैं कब का उठा हुआ हूँ यार, मुझे खुद नहीं आइडिया, 2 घंटे सोया था शिफ्ट से पहले, कल भी मैं ज़्यादा सो नहीं पाया, तो बट मैंने कहा आपको दिखा दूँ कैसा एरिया है। घना जंगल है, ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करना चाहिए, ज़्यादा फन भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए ज़रा चलते हैं और गाड़ी में बैठते हैं। हर हर महादेव। यहाँ से ना वापस ले लिया हमने, क्यों, क्योंकि आगे पता नहीं जा कहाँ रहे हैं, जंगल बहुत है घना, तो डर भी लगता ही है, तो ज़्यादा बेटर यही था कि अपना चुपचाप ना वापस निकल लो, कहाँ जो रास्ता पता हो आपको उस तरफ, आगे कहाँ तक जाना है कुछ आइडिया था नहीं, तो उससे बेटर यही लगा कि यार वापस नीचे उतर जाओ और कहीं और चल लेंगे। अब यहाँ पे तो देख लिया जो देखना था, और अब चलते हैं दूसरी साइड जो थोड़ा सा प्लेन एरिया होगा, वो भी ऑब्वियसली सारा राजा जी नेशनल पार्क का एरिया है, पर वो काफ़ी प्लेन एरिया होगा, तो अब हम उस साइड जाएंगे। ये यार सामने देख रहे हो आप कितना डेंस फॉरेस्ट है, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल है चारों तरफ, बहुत ही ब्यूटीफुल है, सीरियसली यार मतलब ये जंगल देख के तो मज़ा आ गया, अपने गाँव की याद आ गई अगर मैं सच बताऊँ तो, क्योंकि जो मेरा गाँव है ना वो भी कॉर्बेट नेशनल पार्क में पड़ता है, या फिर मैं बोलूँ उसके साथ में ही पड़ता है, तो वो एरिया भी ना बहुत अमेजिंग है, बहुत बहुत अच्छा जगह, बहुत अच्छा एरिया है। तो यहाँ भी देख के मुझे ऐसी सी फील आ गई आज बिल्कुल। ये जो एरिया है अब यहाँ से वापस हम जा रहे हैं बेसिकली, तो बेस्ट अगर मैं बात करूँ कि कौन सा एरिया है, ये आपका ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में पड़ता है, पर ये रास्ता आपको पता नहीं होगा क्योंकि ये रास्ता बिल्कुल जंगलों में आया है और ऊपर से इसके लिए अलग से रोड निकलती है, तो अनलेस आप कुछ एक्सप्लोर करना चाहते हो तभी आप इस रोड पे आओगे, वरना आपको ये पता ही नहीं लगेगा। अब मैं अपनी बात करूँ यार, मैं कितना घूमता हूँ उसके बाद भी मैंने रास्ता आज पहली बार देखा है, और मैं बहुत सरप्राइज हूँ ये रास्ता देख के। और ये सामने एक मुर्गा है बड़ा सुंदर सा, अब ये क्या जंगली मुर्गा है और कितना सुंदर लग रहा है। अब यहाँ सामने हाथी का गोबर दिख रहा है इतना सारा, तो अगर ये गोबर दिख रहा है तो आई एम श्योर यहाँ हाथी भी बिल्कुल आसपास आया होगा रोड पे, या रोड क्रॉस करके गया होगा। दूर से देखने में तो बहुत अच्छा भी लगेगा, मज़ा भी आएगा, आप चाहोगे भी कि आपको दिखे, पर सही बताऊँ आप इतने ही चाहोगे कि दूर से दिखे, क्योंकि अगर पास से आ गया ना देखने को तो बस समझ लो कि बस फिर तो टेंशन वाला सीन है।
तो यार ये है असली फन जंगलों का कि ना आप ऐसी जगह पे आ रहे हो और आपको देख के इतना ब्यूटीफुल लग रहा है सब कुछ कि मतलब वर्ड्स ही नहीं होते डिस्क्राइब करने के लिए अगर मैं आपको सही बताऊँ। तो अब मैं बहुत नीचे आ चुका हूँ, वहाँ पे जो मेन ऊपर जा रहा था पहाड़ी पे और जंगल था, तो अब तो मैं काफ़ी मतलब फ्लैट एरिया में आ गया हूँ। बट अगर मैं बात करूँ यार उतरने की, तो उतरने की हिम्मत तो मेरी अभी भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि दोनों तरफ इतना ज़्यादा घना जंगल लग रहा है, ऐसी झाड़ियाँ लग रही हैं। तो यही लगता है यार कि आप बाई चांस कोई जानवर वानवर ही ना आ जाए और दिक्कत हो जाए। अब हम यहाँ से लेंगे राइट टर्न और राइट टर्न लेके जाएंगे दूसरी साइड। सामने एक और मोर दिखता हुआ और बहुत ही यार ब्यूटीफुल सा लग रहा है। था तो अभी रोड पे ही पर हम आए तो अपना भाग गया भाई। अब उसको भी डर तो लगेगा ही ना यार कि साले कहीं आ जाए कांड करने। अब मोर थोड़ा और अंदर चला गया जंगल में, अंदर की तरफ जाता जा रहा है। वैसे मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, शायद आपको पता ना हो, जैसे कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, तो अगर आपने गलती से मोर को मार दिया तो नॉन अवेलेबल वारंट है, क्योंकि वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। अब आगे चलते हैं और यहाँ से ना अब दूसरा रास्ता था वो वाला रास्ता लेंगे और उस रास्ते की तरफ जाएंगे। ये दिख रहा है सामने एक और मोर, और मोर ही नहीं है यार वहाँ पे इतना सारा हाथी का गोबर भी पड़ा हुआ है, तो ये तो पूरा मुझे लग रहा है हाथी का रास्ता है पैदल चलने का प्रॉपर। आई विश कि मोर थोड़ा पास होता तो अच्छा लगता देखने में, बहुत सुंदर लगता, बट अभी बहुत दूर है। तो ये थोड़ा ट्रैफिक से जाम हो रखा था आगे, क्या करें, पर अब इनको भी रास्ता देना ही पड़ेगा। और पहले भैया यहाँ पे तो इन्हीं का राइट है, हम तो खुद जंगलों में आ रखे हैं, तो हम तो रॉन्ग है, यही राइट है। चलते हैं भागे रोड की तरफ। हर हर महादेव। तो यार अब मैं फाइनली यहाँ पे, मैंने कहा ये एक जगह है जहाँ मैं एटलीस्ट रुक सकता हूँ और यू नो रुक के अपना थोड़ा बहुत निकल के बाहर इधर उधर जा सकता हूँ, क्योंकि मुझे दूर दूर तक दिख रहा है, तो अगर कोई हाथी आता है या कोई वाइल्ड एनिमल आता है तो टेंशन नहीं है इतनी, कम से कम वापस अपनी गाड़ी में तो भाग ही जाऊँगा मैं, इतना तो कर ही लूँगा। तो खैर मुझे ज़्यादा गाड़ी से भी दूर नहीं जाना, क्योंकि गाड़ी से दूर जाऊँगा तो वो भी एक टेंशन है, क्योंकि अदरवाइज़ कैसे भागूँगा, पहुँचूँगा कैसे वहाँ तक अगर कुछ आ गया तो। और बात करूँ जगह की, तो आपको मेरे दिख रहा होगा बैक में कि कितनी अमेजिंग सी जगह है यार, बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो आज सोचा था कुछ ऐसा करने की, चलो चलते हैं कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं, तो ये सब देख के तो यार मज़ा ही आ गया, सीरियसली मज़ा आ गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ दूसरे कैमरा से कि कितना सुंदर लग रहा है सब। ये है सारा एरिया, ये खड़ा अपना टैंक, और एक दो गाड़ियां तो यहाँ आती रहती हैं, दिखती रहती हैं। बट चारों तरफ पहाड़ हैं यार, कहीं भी देखोगे तो आपको पहाड़ ही दिखेंगे। अब यहाँ से मैं थोड़ा और आगे जाके देखूंगा, थोड़ा सा और आगे जाना चाहूँगा और देखना चाहूँगा आगे क्या है, और उसके बाद फिर अपना घर निकला जाएगा। यार भूख भी लग रही है, कुछ खाया भी नहीं है। आई विश कि मैं अपना थोड़ा सामान क्या खाने का सामान तो सारा पड़ा है, पर सिलेंडर नहीं लाया। अगर सिलेंडर लेके आया होता तो बढ़िया था, मैं यहीं 2 मिनट में सब कुछ बना लेता जो बनाना होता, बट अभी के लिए तो कोई ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए अब थोड़ा सा आगे जाते हैं, फिर उसके बाद यहाँ से निकलूँगा मैं कहीं और के लिए। आई डोंट नो घर जाऊंगा या फिर कहाँ जाऊंगा, तो अभी मुझे वो भी आइडिया नहीं है।
अभी यहाँ से थोड़ा और आगे की तरफ जाते हैं, देखते हैं कि आगे क्या मिलता है हमें। रास्ता तो अभी तक वही है, जंगलों में चल रहे हैं, बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखते हैं आगे कुछ, मे बी कुछ वाटर क्रॉसिंग्स मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो चलते रहेंगे अभी आगे की तरफ और देखते रहेंगे क्या दिखता है हमें और क्या मिलता है।